हेलो फ्रेंड्स, चलते क्रोम्स पे। हाँ न्यू टैब खोलेंगे पहले हम। फिर इस पे जियो की वेबसाइट jio.com। हमें नीचे करे स्लाइड करके। इसमें अपना फोन, जो हमारे फोन का ब्रांड है उस ब्रांड को चूज कर लेना है, जैसे सैमसंग हो गया। फिर इस साइड में इसका मॉडल नंबर चूज करना है हमें। अब ये सर बता दिया कि ये क्या 4G LTE है, ये वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। रोंग का निशान इस पर दिखा रहा है, तो ये वोल्टी नहीं है, LTE है। ग्रीन लाइट का निशान दिख रहा है। चले हम दूसरा अब देखते हैं कोई, वैसे HTC का हम ब्रांड चूज कर मॉडल चूज करेंगे। सॉरी, मॉडल नंबर। अभी अभी ये 4G LTE सपोर्ट करता है, वोल्टी नहीं सपोर्ट करता। ये भी रॉन्ग का निशान दिखा रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, ओप्पो। दूसरे ट्रिक के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे हमें नेटवर्क इन्फॉर्म एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर ले। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये ओपन किया और ये कुछ लोडिंग लिया। अब हम इसे चलते हैं डिवाइस पे। आपको डिवाइस में आपका सिम के बारे में दिखाएगा, कौन सा सिम है, कौन सी कंट्री है, और आपका फ़ोन के बारे में बताएगा। जैसे ये देखो LTE है, तो ये दिखा रहा है LTE है। आपका टाइप आपका वोल्टी होगा तो आपका वोल्टी फ़ोन दिखाएगा। इसमें आपको हर चीज़ का वाईफाई का भी इन्फॉर्म दे देगा, ब्लूटूथ का भी, लोकेशन और भी बहुत कुछ है इसमें फ्रेंड्स। इस ऐप के द्वारा